नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मोतिहारी के चकिया में नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों का नगर स्थित एक होटल के सभागार में नवनिर्वाचित सभापति और उप सभापति ने स्वागत समारोह किया। नवनिर्वाचित सभापति पवन कुमार और उप सभापति सुभाष यादव ने सभी 25 वार्डों को बुके एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया, जिसमें कार्यक्रम अध्यक्षता सभापति पवन कुमार एवं उप सभापति सुभाष यादव ने किया। सभापति एवं उप सभापति ने नगर के सभी वार्डों को शुभकामनाएं प्रेषित की, साथ ही संपूर्ण सहयोग की बात रखी। स्वागत समारोह में सभापति एवं उप सभापति ने सभी वार्ड पार्षदों से अपने अपने वार्ड की समस्या को रखने को कहा, जिसके बाद चकिया नगर के नवनिर्वाचित सभी वार्डों के वार्ड पार्षदों ने बारी बारी से अपने अपने वार्ड की समस्या को सभापति एवं उप सभापति के सामने रखा। वही वार्ड 14 के वार्ड पार्षद ममता कुमारी ने अपने वार्ड के जल जमाव, जिसके किसानों के फसल बर्बाद होने को लेकर मुद्दा उठाई और पार्षद महिला को सम्मानित करना, उन्हें साल और गुलदस्ता दे के हम लोग सम्मानित किए हैं और आगे का प्लान बताए हैं कि वार्ड बाई वार्ड आम सभा आप लोग बुलाइए, जनता की समस्या को सुनिए, हम लोग का जहां जरूरत है आप हमें बुलाइए, हम लोग आएंगे और आके वहां कैंपेनिंग करके डोर टू डोर जनता की समस्या को दूर करेंगे। शहर का जो है मुख्य मुद्दा है सड़क जाम, उसके लिए पूरी प्लान मास्टर प्लान हम लोग का तैयार है। वो जल्द ही जल्द चौक के आसपास जितना अतिक्रमण है उसको खाली कराकर ताकि वो जाम की समस्या से निजात दिला सके। समस्या समाधान वो नाला जब तक उसका सही रास्ता नहीं निकलेगा। देखिए, पैसा कोई नहीं खाता है।